नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, कौन? जिया कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ। काफी दिन पहले आपसे बात हुई थी हमारी, एक महीने के करीब करीब पहले। मैं झांसी से बोल रहा हूँ, विशेष VTC 2004 का हूँ। तो आपसे एक महीने पहले बात हुई थी, तो आप कह रहे थे नवंबर और दिसंबर, नवंबर में सब हो जाएगा। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि अभी और समय लगेगा क्या इसमें सर? अखबार तो आप पढ़ते ही होंगे, न्यूज़ देखते ही होंगे। हाँ, ये तो सब देखता हूँ। तो बताया जा रहा है बराबर कि जो है शिक्षा मित्र पहले होना है, उसके बाद तो शिक्षा मित्र का अभी हो गया है जी। अभी कहाँ हुआ है शिक्षा मित्र का? तो वेट कीजिए। हाँ, एक जो है लमसम समय बताया जाता है कि नवंबर दिसंबर की उम्मीद की जा रही थी, अभी तक तो शिक्षा मित्र का ही नहीं हुआ, तो पहले तो वही होना है। अच्छा, तो जैसे हम लोग 2004 के विशेष BTC हैं, तो हम लोगों का बिना टेट के होगा कि टेट द्वारा होगा? 2010 के पहले तो टेट था नहीं, क्या था? नहीं था ना टेट, इसलिए तो सर पूछ रहा हूँ। आपसे लास्ट टाइम बात हुई होगी तो सारी बात हुई होगी ना, कि 2010 के पहले टेट तो था नहीं। हाँ नहीं था। अभी तो जो पुराने आवेदक हैं तो उनसे तो टेट अब लेंगे नहीं, ठीक है? जो 2010 के बाद वाले हैं जी, उनके लिए टेट अनिवार्य है। अच्छा, तो इंतजार करूँ सबकी इसका? और कोई ऑप्शन है आपके पास, आप कर सकते हैं? ना, ऑप्शन तो नहीं है सर, फिर इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तरह तरह के लोग, किसी को लगता है कि कोर्ट चले जाएंगे, याची बन जाएंगे, धरना कर लेंगे। कोर्ट वगैरह तो नहीं, फिर भी अपना तो थोड़ा बहुत चल ही रहा है, कुछ ना कुछ तो हम लोग कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं घर पर बैठे हैं, फालतू बैठे हुए, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। तो ये सोच रहे थे ये हो जाएगा तो फिर और ज्यादा अच्छा रहेगा, वो भी चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा, दोनों चलती रहेंगी। 2017 में जजमेंट आया तब भी हम यही कह रहे थे कि इंतजार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और आज भी वही चीज है। लोगों ने जो थोड़े तीव्र बुद्धि वाले हैं वो जो है धरना न जाने कितनी बार कर डाले, उनको लगा कि धरना से हो जाएगा, एक बार नहीं कई कई बार धरना कर डाले। कुछ लोग तो ऐसे लखनऊ में ही पड़े रहते हैं हमेशा। 2016 में एक ऑर्डर आया था सर शिक्षा मंत्र के पहले हम लोगों का, विशेष VTC वालों का, यही कोर्ट थी आदर्श गोयल और यू ललित की, रेट गई थी विनोद कुमार शोनकर के नाम से, आपने शायद उसका नाम सुना हो। तो उसमें हम लोगों का यही हुआ था, उसमें कोर्ट ने ये कहा था जो पूर्व में चयनित हैं, रिसेलेक्ट हैं, उन्हें एज में छूट देते हुए NCERT के नियम के अनुसार इनका किया जा सकता है। उन्होंने किया जा सकता है ये डायरेक्शन दिया था, अगर किया जाए तो शायद उस समय हो जाता, तो हो सकता है उसी ऑर्डर को फॉलो करें। अभी तक उसका निस्तारण नहीं किया उसका अभी तक। जब भी कोई भी मैटर इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट गया है जी, तो वहाँ पर जो जजेज होते हैं ना, उनकी जो बेंच बनती है, तो किस तरह के मैटर किसके बेंच में जाएंगे वो तय रहता है। कारण क्या है कि वो जिस मैटर को देख रहा होता है तो उससे संबंधित जो भी रूल्स हैं वो सारी चीजें उसके सामने आती हैं, तो वो पहले से जान रहा होता है जो भी मैटर आता है। तो बेंच लगभग वही फिक्स रही है, दीपक मिश्रा जी रहे हैं, गोयल जी रहे हैं, फिर बाद में ललित जी भी आ गए, और फिर बाद में और लोग आते चले गए, तो आगे पीछे भी लोगों के पास ही मैटर जाता रहा, और आज भी यू ललित जी के पास जाता है, चाहे उनके साथ कोई रहे। जब तक यू ललित जी है तब तक उनके साथ पास जाता रहेगा। अभी फिलहाल यू ललित जी के साथ जो भी बेंच बन रही, जिनकी भी, इन फ्यूचर जब ललित जी नहीं होंगे तो उनकी बेंच में जाता रहेगा। यानी कि हमेशा फिक्स पर्सन, जो फिक्स जज है, उन्हीं के पास जाता है मैटर, क्योंकि वो पहले से उस मैटर में इन्वॉल्व रहते हैं, उस तरह के मैटर में। जी, ठीक है। तो जब हाई कोर्ट से शिक्षा मित्र मुद्दा और BA TET वाला मुद्दा सुप्रीम कोर्ट गया, तो शुरू में दीपक मिश्रा जी के पास गया, उनके साथ ललित जी थे, और भी लोग थे, बाद में ललित जी उनके साथ हमेशा लगे रहे। और फिर जब दीपक मिश्रा जी जो है मैटर से हटते हैं तो गोयल जी के पास जाता है, और गोयल जी के साथ ललित जी रहते हैं। कारण क्या है कि दीपक मिश्रा जी के साथ ललित जी थे, ठीक है। और फिर जब फाइनल जजमेंट हो जाता है, उसके बाद आज जब भी कोई मैटर जाता है, कुछ भी, कोई भी मैटर हो, किसी का भी देख लीजिएगा शिक्षा विभाग से संबंधित, तो वो ललित जी के ही बेंच में जाता है। अभी ललित जी के बेंच में जा रहा है या फिर नागेश्वर राव की बेंच में जा रहा है? नागेश्वर राव जी भी रहे हैं पहले कई जगहों पर। तो ये जो पैटर्न आप देखेंगे कोर्ट का,
तो वहाँ आप जानते हैं दीवानी है, फौजदारी है, तरह तरह के मैटर होते हैं। तो फिक्स रहता है कि किसके पास किस तरह के मैटर जाने हैं। सर्विस वाले मैटर है तो किसके पास जाएगा, शिक्षा विभाग से संबंधित है तो किसके पास जाएगा, तो फिक्स पैटर्न है। तो क्योंकि जो जज देख रहे होते हैं जिस तरह के मैटर, तो उससे संबंधित अगर गवर्नमेंट से संबंधित कोई चीज है तो गवर्नमेंट का क्या रुख है, किस स्टेट में क्या कौन सी गवर्नमेंट है, वहाँ उनसे बातचीत भी चलती रहती है। क्योंकि बिना गवर्नमेंट के सहमति के कुछ होता नहीं है बड़े मैटर। जी, 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 दो व्यक्तियों के बीच की बात होगी तो कोर्ट तो स्पष्ट ऑर्डर करेगी, भैया तुम ये चीज करोगे, तुम्हारे ऊपर ये चीज जो है होगा। लेकिन जब गवर्नमेंट की बात आती है तो गवर्नमेंट से वो चीज कराना होता है, और गवर्नमेंट के पास तरह तरह के जो है समस्याएं भी होती हैं, विकल्प भी होते हैं, उनके अपने जो है रुझान भी होते हैं, वो क्या चाहते हैं। जी जी जी। तो जब गवर्नमेंट के पास वो तरह तरह चीजें हैं, वो अगर उन्होंने प्लान नहीं किया कि नहीं इस चीज पर भी हमारे पास बजट नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं, तो कोर्ट के ऑर्डर कर देने मात्र से वो चीज हो नहीं जाएगा। जैसे हाई कोर्ट में देख लीजिए, शिक्षा में तो मुद्दा था, तो हाई कोर्ट ने पूरा मैटर सुना सब कुछ, 91 पेज में जजमेंट भी लिखा। जब आप 91 पेज का डीवाई चंचू जी का जजमेंट पढ़ेंगे, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इनको बाहर निकालिए या इनको रखिए या क्या करना है, कुछ भी नहीं लिखा। उन्होंने सिर्फ जो है मैटर की सुनवाई किया, क्या हुआ, कहाँ कमी रही, क्या गलतियां हुई हैं, वो सारी चीजें कि क्या होना चाहिए, वो सब कुछ लिखते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भेज दिया। क्योंकि वो जानते थे कि हमारे पास लिमिटेड पावर है, और हम कुछ भी ऑर्डर लिख देंगे, हमसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, जो पक्ष हारेगा वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा ही जाएगा। तो आज अगर हम लिख देंगे कि शिक्षा मित्र को जो है समायोजन अवैध है, इनको बाहर किया जाए, तो दो चीजें सामने आएंगी। एक तो पहले तो वो तो हर हाल में चैलेंज होना है सुप्रीम कोर्ट में, तो उनके जजमेंट पर जो है स्टे लग जाएगा मैटर, जैसे ही कोर्ट जाएगा सुप्रीम कोर्ट, तो उनके कह देने से वो चीज हो नहीं जाएगा। दूसरा, जो चीज हम लिखेंगे वो करना किसे है, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को करना है। और उस वक्त कौन सी गवर्नमेंट थी जिसने अवैध काम किया था, वही गवर्नमेंट थी। तो जिसने खुद ही अवैध काम किया है उसी से हम कहें कि अब ये चीज तुम करो, मानने को तैयार नहीं होगा, बिल्कुल वो बल्कि और मैटर को भड़काएगा। जी, तो मैटर भड़काएगा तो स्थिति वैसे ही बिगड़ेगी। जी, तो उसमें फिर जो है को आप जानते हैं कि जब चीजें बिगड़ती है ना, तो सही व्यक्ति भी उसमें जो है गलत बन जाता है। बिल्कुल, तो उसमें क्या है कि जो जज थे उनके ऊपर भी तरह तरह की चीज होने लगती है, और जानते हैं अपराध वाले कई तरह के लोग होते हैं, जज सबको नहीं छोड़ते हैं। जी, तो बहुत सारी चीजों को देखते हुए हर काम होता है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भेज दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वहाँ दीपक मिश्रा जी की बेंच लगती है, सारा चीज वो हाईकोर्ट का देखते हैं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि क्या हुआ है, क्या होना चाहिए, तभी वो जजमेंट में लिखते हैं कि जो है हाई कोर्ट का जजमेंट अक्षरशः सही है। फिर वो आगे अपनी तरफ से देखते हैं कि क्या राहत दी जा सकती है, तो दो मौके दे दिए और उम्र में छूट दे दिए, वेटेज दे दिए, मतलब मैक्सिमम जो दे सकते थे वो सारा चीज उन्होंने दे दिया। जी, अच्छा, हमारे मैटर में उन्होंने एज का एज इलेक्शन सिस्टम दिया, उसमें एज का छूट दिया है, एज में छूट देते हुए उन्होंने लिखा है पूर्व में जो चयनित है उनको एज में छूट देते हुए एनसीईटी के नियम के अनुसार इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, की जा सकती है, ये लिखा। तो आप बताइए, आप जो है 2004 वाले हैं, उतने पुराने हैं, उसके बाद न जाने कितनी सरकारें आई, आप लोग का मैटर कोर्ट कचहरी चलता रहा, लेकिन जो पुरानी गौ सरकारें रही वो कभी चाही ही नहीं कोई चीज। तो आप लोग के मैटर में कोर्ट कचहरी होने के बावजूद वहां से जो भी हुआ कुछ लाभ नहीं मिला। जी सर, तो बस यही है कि जब तक गवर्नमेंट एग्री नहीं होगी, कोर्ट के लिख देने कह देने मात्र से नहीं होगा, कोर्ट ये चीज अच्छे से जानती है। तो इसीलिए जो है जब ये गवर्नमेंट आई है, आपसे लास्ट टाइम बात हुई तो हमने विस्तार से सब कुछ बताया होगा, अब ऐसे भी आप सुनते रहते होंगे यूट्यूब वगैरह पर। जी, 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 तो ये गवर्नमेंट आई है, ये सारी चीज उन्होंने पाया है कि आज भी लोग 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल पुराने मैटर में कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। और अक्सर आप पढ़ते रहते हैं हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, कहीं कहीं से न्यूज आता है कि कोर्ट के पास इतने केस पेंडिंग है, पर जज जो है इतने केस का बर्डन है। तो वो जो बर्डन है वो कम कैसे किया जाए, तो केस आ क्यों रहे हैं कितने। अब भाई किसी दो व्यक्ति के बीच में कोई मैटर हो रहा है तो ये तो केस आते रहेंगे, ये समझ में आता है। हाँ, गवर्नमेंट के केस नहीं आना चाहिए। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट के मैटर इतने जा रहे हैं कोर्ट में,
वो नहीं तो आना ये क्यों चाहिए हो रहा है? तो जी जड़ में जाकर के सारी चीजों को देखा जा रहा है, तो नीतियां ही जी गलत हैं। अब यूपी जी है तो ये अपने हिसाब से काम कर रहा है, एमपी है तो वो अपने हिसाब से कर रहा है, बिहार है तो अपने हिसाब से, कर्नाटक अपने, तो सारे राज्य अपने हिसाब से, जबकि सिस्टम वही है, देश एक ही जी है, फिर क्यों ये फर्क है? तो उसी चीज को देखते हुए सारी चीजें हैंडल की जा रही हैं, सब में समानता लाई जा रही है और तो एक एक रूल लागू किया जा रहा है, ताकि जी जिससे भविष्य में इस तरह की जो विसंगतियां हैं, तरह तरह के विवाद जो होते हैं, वो विवाद न हो। तो तो सबको सर ये सुधारना और सारे मैटर पुराने खत्म करना, उसी के तहत जो है उम्र से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो 2004 का मैटर हो, चाहे 2011 का मैटर हो, क्यों ना वो 68 या 69 वाला सब 2017-18 का मैटर हो, उम्र से कोई लेना देना नहीं है। चाहे शिक्षा में तो मुद्दा ही रहा उसमें भी, तो उम्र कोई मायने नहीं रखता है पुराने मुद्दों में। इसी चीज को ध्यान में रख करके ही गवर्नमेंट हर चीज कर रही है और करने जा रही है। कोर्ट से भी जो ऑर्डर हुए हैं पुराने, उसमें भी उम्र से छूट दिया गया है, शिक्षा मित्र वाले में देखे हैं आप। तो सर ये नया सत्र तक तो हो ही जाएगा ना, अप्रैल तक तो ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप बराबर अखबार में पढ़ रहे हैं कि अभी जो आया था कि प्राथमिक से लेकर के, प्री प्राइमरी से लेकर के माध्यमिक तक जो है हाँ डिजिटलीकरण करेंगे और सुविधाएं बढ़ाएंगे, इसके लिए जो है बजट की पैसे की आवश्यकता है, तो वर्ल्ड बैंक से ये जी पैसा लेने जा रहे हैं। अभी 2 दिन अच्छा पहले न्यूज आया था, हमने व्हाट्सएप पर शेयर भी किया है। हाँ नहीं आपने किया है, कल ही तो किया सर इसको तो वर्ल्ड जी। बैंक से पैसा लेने जा रहे हैं, तो वर्ल्ड बैंक पैसा लेने कोई 100, 200, 500 लाख रुपए तो लेने जाएंगे नहीं। अब बिल्कुल नहीं जानते हैं आएंगे, आप बगैर वर्ल्ड बैंक से कंप्यूटर। पैसा कितना आएगा, हाँ सर बहुत इतना पैसा आएगा कि जो है जी हम आप कल्पना भी नहीं करते उतने पैसे ठीक की है सर, कभी अपने लाइफ वो में तो देख भी लाखों पाएंगे। करोड़ों रुपए आती हैं, तो अरबों अरे रुपए आती लाखों हैं सर करोड़ों ने, तो। लाखों करोड़ों अरबों की संख्या जो होती है वो, कितने हाँ लाख एक लाख करोड़ कर, आएंगे नहीं पता, कितने एक लाख करोड़ करोड़ दो अरब लाख आएंगे करोड़ नहीं पता, कितने जीरो हाँ हैं, हम लोग ये काउंट जीरो पर नहीं जो है जीरो काउंट करना जी पड़ेगा। जी तो वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ और जो भी संस्थान है, हम बराबर जो भी चर्चा होती रहती है इन सब पर भी बताते रहते हैं। आप अगर यूट्यूब पर जाकर देखेंगे पुराने वीडियो, वहां पर वर्ल्ड बैंक वगैरह के बारे में भी हमने जो है वीडियो डाले हुए हैं, कुछ लोगों से चर्चा हुई थी। जी जी तो ये पैसा जो है वर्ल्ड बैंक से मंगा करके सारी चीजों को बदल रहे हैं। हमने बार बार बताया है कि पहले सिस्टम सुधार रहे हैं, शिक्षक तो जी बाद में देंगे ना, पहले सिस्टम तो सही होना चाहिए, व्यवस्था सही होनी चाहिए। बैठने की व्यवस्था है ही नहीं है, स्कूल में पानी है ही नहीं, बिजली है नहीं, जी सही टीचर जा रहा है, कह पसीना बह रहा है, वो क्या पढ़ाएगा गर्मी में? रहे हैं सर, ये सही कह रहे हैं सर। अब तो पहले स्कूल में टीचर शुरुआत जा एक रहा है, बच्चे जा रहे हैं, वहां टॉयलेट है ही नहीं है। हाँ ये बहुत बड़ी समस्या है सर। तो सर ये शुरुआत सारी तो शिक्षा मूलभूत मित्र से सुविधाएं जो है होगी कि हम लोगों से हुई शुरुआत सर? जी, शिक्षा शुरुआत शिक्षा मित्र से होगी कि डिस्ट्रीब्यूटेशन से करेंगे 4-7-8 से? देखिए यहाँ पर न शिक्षा मित्र मैटर है, न जी विशेष कि हम बीटीसी लोग मैटर है, न बीएड मैटर है, न अन्य कोई मैटर है। यहाँ पर वो अपना एजुकेशन सिस्टम देखेंगे सिर्फ, ठीक है। लोग ये नहीं समझ पाते हैं, बीएड वाला अपनी बात करता है, बीटीसी वाला अपनी, एनआईएस से जो डीएलएड किए हैं वो अपनी बात करते हैं। नहीं हम इसलिए कह रहे हैं सर कि हमारा भी 2004-17 साल पुराना मैटर है, इसलिए कह रहे थे नहीं, तो काफी समय। इस बात को पहले समझिए कि अगर मान जी लीजिए आपको घर में नौकर रखना है, तो आप नौकर तलाशेंगे। अब वो नौकर जो है कौन जी होगा, महिला होगी या पुरुष होगा, एज क्या होगी, वो सब तो बाद में आता है ना। पहले तो आपको नौकर देखना है, तो आप तो पहला आपके दिमाग में आएगा कि नहीं हमें नौकर रखना हाँ है। हाँ सही एग्जैक्टली कह रहे ऐसे सर ही हम बार बार कहते हैं सरकारी नौकरी करने जा रहे हैं, तो हम नौकर हैं, उनको नौकर की जी जरूरत है और हमें वो हायर कर रहे हैं, और हम जी उस जी पद पर जाकर के वो काम करेंगे जो हमसे कराया जाएगा उस पद के लिए जो बना होगा। तो जी उनकी सर प्राथमिकता ये है, स्कूलों का व्यवस्था सुधार करने के बाद वहां पर शिक्षक देना, ठीक जी है। तो प्री जी प्राइमरी में उन्होंने रखा है अपना टारगेट कि एनआईएस डीएलएड है, एनटीटी है, शिक्षा मित्र है, जी आंगनबाड़ी है। अब उसमें उनके काम के कौन है, काम के कौन नहीं है, वो अपना क्राइटेरिया तय जी करके उस हिसाब से लेकर चलेंगे। अब इसके बाद आते हैं प्राइमरी में, तो आज जी जो है अखबारों में छाया हुआ है, दिल्ली का न्यूज और भी कई जगहों का न्यूज, कि बीएड को जी प्राइमरी में लिया जाएगा। अभी तक तो बहुत सारे राज्य जो है प्राइमरी में बीएड को वैलिड नहीं किए हैं, जबकि यूपी में 2018 में ही वैलिड कर दिया गया और 69,000 जी में एक भर्ती करा भी दी गई। जी जी सर करा राजस्थान दीजिए सरकार जी अभी भी विवाद कर रही है, कोर्ट से आदेश आ रहा है कि बीएड नहीं लिया जाएगा। तो सर 2018 में ही एनसीटी ने वैलिड कर दिया था और यूपी सरकार ने भी जी कर दिया था। तो यूपी में जी तो प्राइमरी में बीएड वाले भी लिए जाएंगे, जी डीएलएड वाले भी लिए जाएंगे,
दो वर्षीय जो है रेगुलर वाले, एनआईएस वाले तो प्री प्राइमरी में ही जाएंगे जो डीएलएड है, वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमारा कोर्स 2 वर्ष का है, और बीटीसी वाले लिए जाएंगे, विशेष बीटीसी लिए जाएंगे, ये सारे लोग जो है प्राइमरी में लिए जाएंगे। अभी फिलहाल सिर्फ फोकस है प्री प्राइमरी और प्राइमरी। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो 2022 लास्ट या 23-24 जब भी, फिर जूनियर पर फोकस होगा इनका। अच्छा 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 तो अभी इन्होंने नई शिक्षा नीति के माध्यम से 5+3+3+4 का जो है सिस्टम लागू किया है। आगे चलकर ये जो है इसमें अमेंडमेंट करेंगे और इसको बदलेंगे, प्राइमरी और जूनियर दोनों मर्ज हो जाएगा आने वाले टाइम में। आप देखेंगे 2-4 सालों बाद प्राइमरी और जूनियर जो आज अलग अलग है। तो अभी भी मर्ज हो रहा है सर, अभी भी कर रहे हैं हमारे। वन मिनट, अभी अभी जो मर्ज किया जा रहा है वो बिल्डिंग मर्ज की जा रही है, ताकि जो है वहाँ पर जो प्रधानाध्यापक होते हैं उसको एक किया जा रहा। पहले अलग अलग होते थे, प्राइमरी अलग होता था और जूनियर अलग होता था। स्टाफ को जो है मैनेज किया जा रहा है, लेकिन हम जो बता रहे हैं, हम वो ये बता रहे हैं कि दोनों पद ही सेम हो जाएंगे, यानी कि अलग अलग पद नहीं होंगे। तो ग्रेड भी एक ही हो जाएगा दोनों का? बिल्कुल सेम ग्रेड कर देंगे दोनों का। तब जो है चाहे जो भी नाम लेकर के आए, अभी तो प्राइमरी टीचर होते हैं, जूनियर के टीचर होते हैं अलग अलग, फिर वो उस वक्त जो भी नाम रखा जाएगा उस नाम से होगा, दोनों का पे बैंड ग्रेड पे जो भी है सब सेम हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कि ऊपर से नीचे आने में तकलीफ होती है, तो जूनियर वाले को नीचे लेके आएंगे प्राइमरी के बराबर, उसे तकलीफ होगी, तो ये मानकर चलिए कि प्राइमरी वालों को जूनियर के बराबर कर देंगे, यानी कि प्राइमरी टीचर जो बन जाएगा आने वाले टाइम में वो जूनियर टीचर भी बनेगा, और वो सेम वही जो भी पेमेंट अभी चल रहा है जूनियर का मिलेगा उसे। अच्छा, तो ये समानता कर रहे हैं दोनों में सर? हाँ, अभी सिर्फ जो है स्कूलों को हैंडल कर रहे हैं, बताया ना कि सिस्टम ही गड़बड़ चल रहा है, उसको सुधार रहे हैं, सिस्टम ही को सुधार रहे हैं, पूरा सिस्टम ही सुधार रहे हैं जी। अब हमने आपसे सोचने बात कर ले सर, बहुत दिन से बात नहीं हुई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। हम तो बस वही जो भी आप लोग अखबारों में देख रहे हैं जो अन्य जगह, बस वही डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं, बाकी तो जानते हैं अपने हाथ में तो कुछ है नहीं। मैं आपका पर डे देखता हूँ, यूट्यूब पर कुछ ना कुछ आता रहता है सर आपका, तो देखता रहता हूँ, तो आप समझ में तो आ रहा है कि होगा, लेकिन समय लगेगा जब भी हो जाए। हाँ, अपने हाथ में कहीं कुछ भी नहीं है, जो भी है सब गवर्नमेंट के ही हाथ में है, होगा जरूर, ये कंफर्म है सर। हाँ, होना 100% फिक्स है, उनका जो प्रोग्राम बन चुका है, जैसे हमने बताया था कि जो है टीटी लाइफ टाइम होना है, वो तय हो गया था कि लाइफ टाइम होना है, हम 2017-18 से बता रहे थे, अब उनकी प्लानिंग ठीक ठीक करना है, अब वो ला करके किए कब, देख लीजिए 2021 में किए हैं। बीएड वैलिड होगा प्राथमिक में, ये भी जो है हम करीब 16 से जो है कंटिन्यू बता रहे थे जिनसे मेरी बात होती थी, लेकिन वो चीज हुआ कब, 2018 में हुआ, तो ये सारी चीजें भी होंगी। 21-22 में होना था, 22-21 मान लीजिए निकल गया तो 22 में हर हाल में होगा, और दिसंबर में चाहे वो घोषणा कर दे चाहे थोड़ा और लेट हो जाए। चुनाव के पहले तो करेंगे करेंगे सर। हाँ, वो चुनाव के पहले होना, चुनाव भी टलने का आप देख ही रहे हैं, न्यूज आने लगा है, चर्चा होने लगी है, बता रहे हैं चुनाव भी टल सकते हैं, तो अभी 6 महीने का समय और मिल जाएगा इन लोगों को। हाँ, समय पर्याप्त तो, देखिए अभी हम कह रहे हैं, लोग जो है अखबार में पढ़ रहे थे, टीवी देख रहे थे कि आचार संहिता 20 दिसंबर बाद कभी भी लग जाएगी, और हम लगातार कह रहे थे कि जो है नहीं लगेगी दिसंबर में किसी भी कीमत पर, चुनाव टल जा रहे हैं, तो लोग मानने को तैयार नहीं थे। अब देखिए वही अखबार मानने लगे, अब लोग मान लेंगे, लोग इतने बड़े क्या कहें, मूर्ख कहें या उनको कहें तीव्र बुद्धि है क्या, वो अखबार में आज छप जाएगा कोई चीज कि जो है चॉकलेट खाने से हृदय को लाभ होता है, तो वो मान लेंगे चॉकलेट खाने से हृदय को लाभ होता है, लेकिन अखबार में छप जाएगा कि चॉकलेट खाने से जो है ज्यादा खाने से ये प्रॉब्लम होते हैं, तो फिर चॉकलेट खाना बंद कर देंगे। वो ये बुद्धि नहीं लगाते हैं कि दो न्यूज कैसे आ रहे हैं, एक व्यक्ति उस पर फायदे रिसर्च कर रहा होगा कि इसके क्या क्या फायदे हैं, तो वो फायदा बताएगा, कोई व्यक्ति जो होगा उसके जो नुकसान पर रिसर्च कर रहा होगा तो नुकसान बताएगा। अब किसी ने फायदे पर रिसर्च किया अखबार वाले को दे दिया, तो अखबार वाले ने छाप दिया कि इसके फायदे हैं, किसी ने नुकसान पर रिसर्च किया अखबार वाले को दे दिया, तो अखबार वाले ने छाप दिया कि ये इसके नुकसान है, तो अखबार तो सिर्फ छापना है, हमारे तक पहुंचाना है। अब उसको आपको समझना है कि अगर कोई फायदा बता रहा है तो वो फायदा बता रहा है कितना खाना इससे फायदा होगा, कोई नुकसान बता रहा है तो कितना खाने से नुकसान होगा। जी, हो सकता है कि जो है किसी को एक चॉकलेट खाने से ही नुकसान हो सकता है किसी को 10 चॉकलेट खाने से नुकसान, 10 भी खा ले तो भी नुकसान ना हो, तो आदमी की बॉडी भी अलग अलग होती है,
लोग वही तो हम कहते हैं 90% 95% लोग जो है डिग्री लिए हैं चीजों को समझ ही नहीं पाते एनालिसिस करें उसका समझे उसको लेकिन नहीं बस छप गया अखबार में कि 20 दिसंबर बाद अचानक नहीं था तो उसी के पीछे भाग लोग अपनी बुद्धि नहीं लगा रहे हैं कि पहले 3-4 राज्य और हैं वहां पर लगना है उसके बाद यूपी में होना है चलिए ठीक है सर आपसे बात करके अच्छा लगा है सर हमको और एक उम्मीद तो है ही सर हाँ सिस्टम को समझिए कि क्या चल रहा है मैं ये सब समझ रहा हूँ सर आपकी बात को बड़ा ध्यान से देखता हूँ सुनता हूँ सर और समझने में आने लगा है काफी कुछ कि सर हो रहा है काम अब समय थोड़ा लगेगा तो बिल्कुल जब उन्होंने आते ही कोर्स ऑर्डर करवा दिया फिर उसके बाद बीएड भी वैलिड हो गया टीटी जहाँ लाइफ टाइम कोई सोच भी नहीं सकता था वो भी हो गया बीएड तो प्राथमिक से एकदम हो गया था आज तो बीएड वाले कम से कम उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं हमें उम्मीद है होगा जी 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 सारी उम्मीद जहाँ खत्म हो गई थी तो उनके जो जो है वो सारी चीजें होंगी जी बस थोड़े दिन और आप देख ही रहे हैं कि हर तरह से न्यूज आ रहे हैं वर्ल्ड बैंक से क्या क्या करेंगे बात करने से उत्साह बढ़ता है सर और कुछ नहीं है समय तो जितना लगना है वो तो लगेगा ही सिर्फ उत्साह बढ़ जाता है आपसे बात करने इसलिए आपसे बात करते हैं देखिए हम जिस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं हमारे आस पास पॉजिटिव चीजें भी हो रही हैं नेगेटिव भी हो रही हैं एक ही व्यक्ति के अंदर अच्छाइयां भी होंगी बुराइयां भी होंगी अब जी, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या देखना चाहते हैं हाँ अच्छा चीज देखना चाहते हैं गलत चीज देखना चाहते हैं अगर किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया तो या तो वो मानसिक रूप से बीमार होगा जी उसका बुद्धि काम नहीं किया अगर वो मानसिक रूप से बीमार नहीं है तो फिर हमें जानना पड़ेगा ना आखिर उसने ऐसा क्या किया वो नहीं तो कौन चाहता है जेल जाना बिल्कुल कोई नहीं चाहता उसको कारण होगा और ऐसा नहीं कि उसने मर्डर कर दिया तो वो बहुत बुरा ही इंसान है सही बात है तो कोर्ट क्या करती है इसीलिए तो उसे फांसी पर लटका देती है तुरंत उन्हें जो है सुधरने का मौका देती है जेल में रखती है ताकि उन्हें रियलाइज हो कि हमने इस तरह का काम किया और उसके करने से जो गया वो तो गया लेकिन जो है उसके करने से हमारे लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ा ताकि इन फ्यूचर हम उस तरह की चीज न करें और उसके उसको सजा जो मिलती है उससे अन्य लोग भी प्रभावित हों वो भी समझें कि नहीं अगर हम भी ऐसा कुछ करेंगे कभी कल को तो हमें भी सेम वही सजा मिलेगी एक डर भी लोगों के बीच में जाता है तो कुल मिलाकर के हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई भी है बुराई भी है दुनिया में भी अच्छाई बुराई सब कुछ है नेगेटिव है पॉजिटिव है हम देखना क्या चाहते हैं तो गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है सब कुछ सामने है अब उसमें से हमें पॉजिटिव चीजें देखना है कि पॉजिटिव क्या हो रहा है तो आते ही उन्होंने जजमेंट करा दिया ये पॉजिटिव था बीएड प्राथमिक में आ ही नहीं सकता था उसको वैलिड कर दिया गया प्राथमिक में अब आ सकता है और अब तो ये हालत है कि सिर्फ बीएड ही लिए जाएंगे अन्य कोर्स बंद हो जाएंगे हाँ अन्य कोर्स बंद हो जाएंगे दो तीन ये पॉजिटिव है बीएड के लिए इसके बाद जो है टीटी जो है 5 ही साल में हो रहता था सीटेट 7 साल ही रहता था बार बार हम लोग को फॉर्म भरने होते थे एग्जाम देना होता था अब वो लाइफ टाइम कर दिया गया ये पॉजिटिव है और 50% वाला हुआ एमएड वाला हुआ बीसी बीटीसी वाला ये सब जो सुधार हुए हैं एनसीटी ने किए हैं वो सारी चीजें तो कुल मिलाकर के पॉजिटिविटी खोज निकालेंगे तो अच्छा लगेगा और नेगेटिव खोजने वाले आप देख ही रहे तरह तरह के लोग एक्टिव हैं कमेंट करते हैं उनको कुछ दिखता ही नहीं है क्यों क्योंकि उनके पास बुद्धि ही नहीं है कि नहीं वो पॉजिटिव चीज देख सके सही बात सर सही कह रहे सर और चलिए अगर मान लेते हैं कोई चीज अगर हम सोचते हैं वो चीज होता ही नहीं है तो क्या उसके पीछे हम अपनी जान दे दें क्या क्यों दे दें जान भाई साहब जान बहुत बड़ी कीमती चीज है सर इसके पीछे जान थोड़ी दूसरा देखेंगे ये नहीं हो रहा दूसरा काम देखेंगे बिल्कुल एक रास्ते बंद होते हैं तो 10 रास्ते खुलते हैं हाँ जिंदगी में यही तो लड़ाई है भाई साहब दूसरा देखें इसलिए हम 17 साल से ये नहीं है घर पे बैठे हूँ कुछ ना कुछ करते रहे अपना तो ये धंधा कर रहे बस आप अपना जो भी था उधर आप देख भी रहे हैं नजर भी रखे हैं कि क्या चल रहा है क्या हो रहा है कोर्ट कचहरी या जो कुछ भी रहा आप उधर भी नजर रखा आज आपकी हमसे बात भी हो रही है बाकी आप अपनी लाइफ जी रहे हैं आपको पता है कि हमारी लाइफ को एक एक दिन बीत रही है इसलिए जो है हम गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते और आप जो है रुके नहीं अपना घर परिवार जो भी है चला रहे हैं सब चल रहा है बहुत सारे लोग हैं जो कि वहीं रुक गए हैं नहीं नहीं मैं नहीं रुका मैं तो सर शुरू से ही कुछ ना कुछ करता रहा सर
और अभी भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी कारणवश नहीं होता तो रुकना नहीं है हमको भी। 100% 100% होना ही होना है। हाँ, अगर किसी कारणवश नहीं होता तो ऐसा तो होना ही नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी जो है अगर किसी के साथ कुछ ऐसा होता है, किसी कारण किसी का नहीं हो पाता है जी, कोई समस्या आ जाती है किसी के साथ, तो भी क्या है, हर कोई ऐसा तो है नहीं कि सरकारी नौकरी लेकर ही जीता। पढ़ाई इसलिए थोड़े की जाती है कि हमें सरकारी नौकरी ही सिर्फ हम करके आगे अपना चलाएंगे। पढ़ाई करके लोग देखिए आज जो है तरह तरह के बिजनेस कर रहे हैं, कोई जो है स्टार्टअप शुरू कर रहा है, तो कोई कुछ और कर रहा है। आजकल देखिए लोग जो है यूट्यूब वगैरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, नॉलेज है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। अब हम अपने लिए करें या किसी कंपनी के लिए करें, चाहे जैसे भी, उसके बदले अगर हमें कुछ अर्निंग हो रही है तो हम अपने नॉलेज का यूज करके अर्न करेंगे, पैसा आना चाहिए। बिल्कुल, पैसा आना चाहिए, ईमानदारी से पैसा आना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है सर। और इसी पढ़ाई लिखाई से ही ईमानदारी से पैसा कमा सकते हैं सर। बहुत सारे लोग हैं मेरे पास कॉल करते हैं, हम उनको कहते हैं भाई यूट्यूब पर आप देखिए, चाहे वो कोचिंग वाला हो या नॉर्मल व्यक्ति हो, वो आकर के या तो पढ़ा रहा है या कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो मेहनत करके वीडियो बना रहा है और डाल रहा है, उसका चैनल धीरे धीरे ही सही ग्रो कर गया। बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप देख लीजिए कुछ कॉमेडियन हैं या कुछ भी हैं, नए नए लोग आए, हम आप अक्सर यूट्यूब खोलते हैं और थोड़ा टाइम पास के लिए बहुत सारी चीज़ देखते हैं, तो वो लोग जो वीडियो बना रहे हैं, क्या उन्होंने पढ़ाई नहीं किया होगा? उन्होंने भी मेहनत से पढ़ाई बहुत किया होगा, लेकिन वो पढ़ाई करके ये नहीं कि बस हमें जो है सरकारी नौकरी मिलेगा तो ही कुछ करेंगे। अरे नॉलेज है, कंप्यूटर चलाने आता है, मोबाइल चलाने आता है, सिस्टम पर अपना बैठ करके वीडियो बना रहे हैं कैमरे से, उसके बाद उसको सेटिंग वगैरह कर रहे हैं, डाल रहे हैं, लोग उसको पसंद कर रहे हैं और देख रहे हैं। अभी देखिए एक व्यक्ति है आशीष चंचलानी नाम का है, हम ही लोग के इसके आसपास का होगा, अब उसका चैनल इतना चल रहा है कि बड़े बड़े फिल्म स्टार उसके यूट्यूब पर आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं। तो उसने अपनी जगह बनाई ना इस भीड़ में, एक अलग पहचान बनाया उसने। जी सर, बस ऐसे ही हर व्यक्ति को कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, चाहे जो कर सके, अपने ज्ञान का, अपने पढ़ाई का, नॉलेज का, हर चीज का यूज कहाँ हम करें, किस तरफ करें। समय का सर, समय का उपयोग करना चाहिए, समय उतना ही है आपके पास, समय तो निकलता जाएगा। ये आप अगर यही बैठे रहेंगे कि हम वो होगा तभी करेंगे, तो फिर आपकी उम्र निकलती जाएगी, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि जो है ये तो यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, तो अगर मान लीजिए हम अगर YouTube से हमें पैसा आ भी रहा है जी, तो हम किसी से चोरी तो नहीं करें, किसी से छीन तो नहीं रहे। हाँ सही सही है सर, भाई हमारे पास नॉलेज है, हम हमारे पास लोग कॉल कर रहे हैं, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तभी तो आपको सुन रहे हैं कुछ ना कुछ, आपको फोन कर रहे हैं तभी तो कर रहे हैं, आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो जो लोग इस तरह के कमेंट करते हैं उनको तो हम ये कई बार मैसेज भी करते हैं, भैया आप भी आओ, हम आपको कोई जानकारी चाहिए, कुछ आपको अगर नहीं पता है, हमसे जानकारी लेना चाहते हो, हमें कॉल कर लो, हम बता दें, आप भी आओ यूट्यूब पर, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी ये चीज करो। जी तो कुल मिलाकर के बस चाहे वो प्राइवेट जॉब हो या खुद का कोई बिजनेस हो या खुद का कोई भी काम हो, किसी भी इंसान, चाहे वो शिक्षा मित्र ही क्यों ना हो, उनको भी हम यही कहते रहते हैं, भाई आप जो कर रहे हो शिक्षा मित्र ठीक, बाकी आपके पास जो बचता है टाइम 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे सोते हो, 8 घंटे ड्यूटी करते हो, जी जी जी, उसके बाद भी 8 घंटे बचते हैं, उसमें से भी आप, मैं सोच रहा हूँ यही तो मैं सोच रहा हूँ, अगर ये लगती है नौकरी तो ये भी चलता रहेगा हमारा सर, जो चल रहा अभी वो तो हमारा नौकर वगैरह भी चलाते रहेंगे, इसको हम आगे भी उसको देखते रहेंगे, तो दोनों दो काम हो जाएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो LIC वगैरह में लगे हुए हैं, तो उनसे भी मेरी बात होती है, उनका भी यही कहना है, जॉब हो जाएगी, चाहे भी LIC भी चलता रहेगा, चाहे जैसे भी चलाएंगे मैनेज करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो कि यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, तो अब उनका चैनल चल निकला है, तो कल को जॉब हो जाएगी, जॉब भी होगी, अपना चैनल भी चलाएंगे। चलिए, तरह तरह के लोग हैं, हम आप कितना भी समझा लेंगे लोगों को, हाँ लोग अपने हिसाब से ही, नेगेटिव वाले नेगेटिव ही रहेंगे। नहीं सर, मैं नेगेटिव नहीं हूँ, आप मुझसे बात करके अच्छा लगा सर, आप भी समझ गए होंगे सर, मैं नेगेटिव नहीं हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ सर, और पॉजिटिव ही रहूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर, ठीक है सर, नमस्कार।